देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बच्चों ने पूछा है, 27 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। हमें क्या करना है, 2 और 5 की पावर को सेम करना है। अब यहां पर तो 5 की पावर आ रही है 3 और यहां पर आ रही है 2 की पावर 2, तो यदि इस पावर को सेम करना चाहते हैं तो हमने 2 की पावर 1 का ऊपर और नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बन गया ऊपर 54, नीचे बन गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब दोनों की पावर सेम आ गई 2 और 5 की, तो इसका मतलब नीचे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो इसका मतलब 10 की पावर 3 में कितने जीरोज आएंगे हमारे, 3, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका 3 डिजिट बाद, डेसिमल के 3 डिजिट के बाद हमारा ये जो आंसर है ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ध्यान रखें इस बात का, हमें इन दोनों की पावर्स को सेम करना है, या दूसरे एंगल से हम कहें, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर है वही हमारा आंसर हो जाएगा, उतने के बाद डेसिबल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट को हिंदी में बोलते हैं बेटा सांत्वना। तो ध्यान रखें इस बात का, विशेष रूप से हर बच्चे को विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का कि मैक्सिमम जो भी पावर है 2 की और 5 की वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भेज रखा है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ता हूँ, सभी बच्चे अपनी कॉपी में वो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन पेपर में देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ ले। समझ भी नहीं आया। यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो बेटा माइक ऑन करके पूछ लो जल्दी से। देखो सर मुझे क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा। सीबीसी बात है बेटा, टू और फाइव, पहले इस क्वेश्चन को करना है लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, जो भी हाईएस्ट पावर आ रही है सीधा सा वही आंसर है डेसिमल एक्सपेंशन का, मतलब उतने डेसिमल के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहां पे एक तो 2 की पावर 2 दे रखी थी और एक दे रखी थी 5 की पावर 3, अब इन दोनों में हमारा जो है 5 की पावर 3 बड़ी थी, तो सीधा सा आंसर हमारा आ गया कि भाई 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब समझ में आ गया सभी को? हाँ क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपसे भी करवा देता हूं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं, अब सब बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे दिया मैंने, सेवन अपॉन 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1, और ऊपर ऐसा किया मैंने 21 दे दिया, 2 की जगह 21। चलो बेटा इस क्वेश्चन में बताइए कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, ये 21 है ध्यान रखना, मैं मिटा रहा हूं। फाइव सही लगे, एक बच्चे का आंसर आया 5, बाकी के सभी बच्चे चेक करें। जल्दी से चेक सर करो, फाइव। दो बच्चों का आ गया आंसर, सर फाइव।
तीन, अब तक तीन बच्चों का आंसर आ चुका है, चार बच्चों का आंसर आ गया, और बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी करें, करो बेटा फास्ट करो। फाइव, पांच बच्चों का आ गया, छह बच्चों का आंसर आ गया, फाइव फाइव सर, फाइव सर। चलो ओके बेटा, पांचों बच्चों ने, सॉरी छह बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। अब सबसे पहले मैंने कहा था लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, अभी आप लोगों ने लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं सीधे आंसर लगाया होगा आपने। अब इन दोनों में देखा जाए तो जो हमारी टू की पावर है वो मैक्सिमम आ रही है, और वो कितनी आ रही है, फाइव, इसलिए फाइव डेसिमल के बाद ये जो है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वो निकालने की जरूरत पड़ जाए तो हमें क्या करना होता है, दोनों की पावर सेम करनी होती है। देखो यहां पे फाइव की पावर वन आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइव की पावर फोर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे तो बन गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, क्योंकि आपको पता है बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 4 का मतलब हो गया 625, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35, 3, 17, 1, 43, और ये बन गया 10 की पावर 5। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये पांच डिजिट के बाद होगा, तो अब देखो 5, 7, 3, 4, एक जीरो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा पांच डेसिमल बनाने के लिए। अब ये देखो, ये इसका जो डेसिमल है वो हमारा पांच डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है या नहीं। तो बेटा जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था केवल टर्मिनेट करना कि कितने डेसिमल के बाद होगा, कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि वो आंसर क्या आएगा, अगर डेसिमल लगाने के बाद आंसर क्या आएगा तो ये तरीका भी हमें पता होना चाहिए। अभी मेरे दिमाग में एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, जिस बच्चे को भी आ जाएगा वो बेटा आंसर ना बताए, केवल अपना नाम बता दे कि मेरा हो गया, ठीक है, आंसर ना बताए, चलिए, क्योंकि जो बच्चे और ट्राई करते हैं वो फिर ट्राई करना बंद कर देते हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, चलिए बेटा इस क्वेश्चन का बताइए किस कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। सर रमेश, वेरी गुड, और कोई बेटा, सर अनुपम, एमडी सुभान, ओके, नितिन कुमार, चार बच्चों के नाम आ चुके हैं मेरे पास, चार बच्चों के नाम आ चुके हैं बेटा मेरे पास अब तक, सर सुभान, सुभान का आ गया बेटा नाम, पहले ही आ गया आपका, तो सर हो गया अविनाश, सर दो सुभान, अच्छा दो सुभान है, चलो कोई बात नहीं, पांच बच्चे मान लेते हैं, छह बच्चों का नाम आ चुका है, यस सर, नाम तो बता बेटा, विक्रम, यस सर, विक्रम अविनाश, हाँ चलो, और नेक्स्ट, और कोई बेटा, बाकी के नहीं कर पा रहे ये, एक मिनट कर रहा हूँ, करो बेटा जल्दी जल्दी, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था बेटा,
जल्दी करो बेटा जल्दी करो। अगर हम इतना इतना टाइम एक क्वेश्चन में लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर हो गया दीपांकर। ठीक है, सात बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है। जल्दी जल्दी करिए बेटा। मैं अभी और रेस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा हूं। जल्दी जल्दी करो बाकी। सर हो गया अमित। ओके बेटा, और बच्चे करो जल्दी से। बाकी के और बच्चे रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे बेटा अभी तक? इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है कि आप चुपचाप बैठ गए। ये बेटा कम से कम 30 बच्चे जुड़े हुए हैं, केवल 6 और 7 बच्चों का रेस्पॉन्स कैसे काम चलेगा बेटा ये? और ये तो वो क्वेश्चन है जो अभी तुरंत समझाया है। चलिए देखिए, चलिए सर हो गए श्याम जायसवाल। ओके भाई, चलिए बेटा सबसे पहले ए ऑप्शन, क्या किसी का आंसर 3 आया? 3 कितने बच्चों का आंसर आया? बोलो जल्दी जल्दी नाम दोबारा से। सर मोहम्मद सुवान। मोहम्मद सुवान का। सर अविनाश। और कोई? सर सुवान। सर राघव। और किसी का? सर अविनाश। और किसी का? सर विक्रम। चलो और किसी का? सर रमेश। रमेश। और किसी का? अमित सर 3। ओके बेटा, और किसी का? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका आंसर 1 आया? क्या कोई बच्चा मेरा ऐसा है जिसका आंसर 1 आया? कोई बच्चा नहीं है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसका आंसर 2 आया? विपिन कुमार। एक बच्चे का। और किसी का 2 आया? केवल एक बच्चे का 2 आया।
और ऐसा कोई बच्चा जिसका 4 आया? अनुपम। तो इसका क्या अनुपम 4 आया बेटा आपका? यस सर चलो वेरी गुड। एक बच्चे का 4 भी आ गया मेरे। मैंने कहा था आपसे हाईएस्ट पावर देखनी है लेकिन लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद, क्या आपने इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया? अगर मैं 2 से काटूं, 2 से ये 7 टाइम्स और 2 से ये कट जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 3 8 होता है। अब जब 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये क्वेश्चन बन गया ये। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर देखनी है और हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो आंसर क्या आया? 2। इसलिए बाकी के सभी बच्चों का गलत हो गया, केवल एक बच्चे को छोड़ के। ऐसी गलती करोगे? जबकि मैंने तुम्हें विशेष रूप से कहा था कि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखना है। अगर मैं इसका एक्यूरेट आंसर निकालना चाहूं कि हो सकता है वो डेसिमल एक्सप्रेशन पूछ भी ले, तो ये बन गया मेरा 10 की पावर 2, तो 7/100 और 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब पॉइंट लगेगा 2 जीरो के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.07। 2 डेसिमल के बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जिन बच्चों ने 3 बोला, कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। अब तो गलती नहीं करोगे? क्या ये मान के चलूं मैं कि आप गलती नहीं करोगे? यस सर। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 15 में हमारी थी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन तो आपके पास है ही है। एक बैग है, ये क्या चीज है? मेरा बैग। इसके अंदर 3 रेड बॉल है, क्वेश्चन के अंदर दिया है, 7 ब्लैक बॉल है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल? इससे सिंपल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में नहीं हो सकता। मैंने कहा था ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले टोटल बॉल कितनी है? 3 तो ये है, 10 और 7 ये है। रेड टोटल कितनी है? 3 बॉल। लेकिन टोटल बॉल्स कितनी है? तो टोटल बॉल्स हम कहेंगे 10। तो टोटल बॉल्स है मेरी 10। टोटल बॉल्स लिख देना है। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या मांग रहा है वो मेरे से? ब्लैक। तो ब्लैक के लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 7। ब्लैक के लिए फेवरेबल कंडीशन है हमारी 7। तो हमने, एक मिनट बेटा, हमने क्या किया? 7 को ऊपर लिख दिया। आंसर आ गया मेरा 7/10। दिस इज योर आंसर। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया? यदि ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। माइक ऑन करो और पूछ लो। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में अभी भी नहीं आया? सर आ गया। सिंपल सी कंसेप्ट है, नीचे लिखना है नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, ऊपर लिखना है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल
फेवरेबल कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए ब्लैक बॉल दे रखी थी, ब्लैक बॉल हमारी काउंटिंग में 7 थी, तो 7 को ऊपर लिख दिया, टोटल बॉल्स हमारी 10 हो गई, तो वो हमने नीचे लिख दी। प्रोबेबिलिटी में इससे सिंपल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। चलिए, अगर आप सबको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। कंसेप्ट वही है, जिसका भी आंसर आएगा केवल नाम बताएगा, आंसर नहीं बताएगा। चलिए, अब आता है क्वेश्चन आपके सामने। एक बैग है, इसके अंदर 3 व्हाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है, 7 ग्रीन बॉल है और 2 पिंक बॉल है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल। चलिए सर, कमल स्टार्ट हो जाओ। सर अनुपम, अनुपम दो बच्चों, सर सर चंदन, सर अमित, सर चंदन, 5 सर राघव, सर कमल, विपिन कुमार, 7-8 सर ओमदत्त, अविनाश कुमार, 9-10 सर क्रिश, 11-12 और बताइए जल्दी से, विपिन कुमार, विश्वकर्मा, 13 विश्वकर्मा, 13 हो गया बेटा तेरा नाम। और कोई बोलो, सर मोहम्मद सुभान, सर ठीक है बेटा। तो कुल मिला के 13-14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, इसका मतलब बाकी के 13-14 बच्चे ही बचे जिन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। क्या मैं ये सर कमल आमिर सर नहीं आया? आमित सर बेटा, अगर इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पास होने में, और मैं नहीं चाहता कि मैथ में कोई भी बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करे पास होने में, सभी बच्चे पास होने चाहिए। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर सही आया। ए ऑप्शन है मेरा 5/17 16। अरे बेटा, मैं तो ऑप्शन बता रहा हूं, अभी मैं 4 ऑप्शन बनाने ना मुझे, आंसर बताने के लिए तो मना कर रखा है भाई मैंने। हाँ भाई, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 5/16 आया? एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, वेरी गुड। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 5/18 आया? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 2/17 आया? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसका 2/17 आ रहा है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 5/17 आया? यस सर, मेरा चंदन विश्वकर्मा, अमित, चलो भाई सर राघव, बच्चों का डी है ये मान के। यस सर, यस सर, मैंने बताया था फेवरेबल कंडीशन हमारे पक्ष में कंडीशन है, ये 5 हमारे पक्ष में कंडीशन है, जबकि टोटल कंडीशन इन सभी बॉल्स को मैंने ऐड किया तो मेरी बॉल्स आ गई 17। तो इस आधार पर 5/17 मेरा आंसर हो गया। अभी मेरे दिमाग में एक और बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया है, अब देखते हैं ये किसका सही रहता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और, ये मेरा बैग है, इसके अंदर 10 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। उसने प्रोबेबिलिटी पूछी मेरे से व्हाइट बॉल की, कोई भी बच्चा आंसर बताएगा नहीं, केवल सर अविनाश कुमार अपना नाम बताता रहेगा।
सर अनुपम सर चंदन सर सर नितिन कुमार चलिए जल्दी जल्दी अमित अमित सर अमित और बोलो जल्दी बच्चे नाम सर ओमदत सर दीपांकर सर मोहम्मद नाही ओके नितिन कुमार ओके लक्ष्य मोहम्मद शादाब ओके चंदन विश्वकर्मा ओके कमल कमल ओके सर सुभान सुभान अभी भी 16-17 बच्चों का ही जवाब आया है इसका मतलब बाकी के ये 12-13 बच्चे जो बच रहे हैं ये बेटा कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे इसका मतलब उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा और पूछ भी नहीं रहे वो क्या मैं यही मान के चलूं बाकी के बच्चों के लिए नहीं तो जल्दी से अपना नाम बोलो सर जी मोहम्मद नाहिद और कोई जिसको जिसका हो गया हो अपना नाम बोलो जल्दी से चंदन विश्वकर्मा बेटा तेरा नाम तो आ गया था पहले और बोलो जल्दी से सर राज राज ओके और कोई चलिए अब मैं ये मान के चलता हूं लगभग सभी को आ गया अब चेक करते हैं आंसर 10/20 5/20 0/20 यस सर सर सी है सी या जीरो सी 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 ऐसे कितने बच्चे हैं जो सी बोल रहे हैं सर राघव नितिन कुमार सी चलिए ऐसे कितने बच्चे हैं जो डी बोल रहे हैं सर चंदन विश्वकर्मा चंदन विश्वकर्मा एक बच्चा ऐसा है जो डी बोल रहा है और भी कोई है जो डी बोल रहा है बाकी के सभी बच्चे सी बोल रहे हैं बोलो जल्दी सर अनुपम चलो तीन बच्चे हो गए जो डी बोल रहे हैं और कोई बच्चा जो डी बोल रहा है सर मोहम्मद शादाब चार बच्चे हो गए और कोई डी बोल रहा है विपिन कुमार चलो देखो बेटा तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा इन दोनों का मतलब सेम है ये तो मैंने वैसे ही दे दिया तुम्हें पागल बनाने के लिए ठीक है जीरो को यदि किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं हम तो भी जीरो आता है तो ये जीरो जीरो भी ये जीरो जो है ये जीरो के बराबर ही है और 0/20 भी जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों सेम है और ऑप्शन में एग्जाम में कभी इस तरह से नहीं आएगा केवल मैं ये चेक करना चाह रहा था कि बच्चे इन दोनों में डिफरेंस निकाल पाते हैं उन्हें ये पता है या नहीं पता कि दोनों सेम होते हैं कि नहीं होते तो ध्यान रखें सी और डी दोनों ही आंसर सही हैं ठीक है लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं होगा एग्जाम में किसी एक को ही सही करके आना है चल अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक यदि किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना नाम और क्वेश्चन नंबर बता दे सर क्वेश्चन नंबर 6 नाम बताओ भैया नाम बोलो सत्यम सर सत्यम और कोई बच्चा बेटा 10 तक कोई क्वेश्चन पूछना है सर क्वेश्चन नंबर 10th और 7th नाम बताओ सर अमित चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 कोई बेटा क्वेश्चन नंबर 9 नाम बताओ सर अनुपम और कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 तक इसका मतलब बाकी के किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं है भाई इसका मतलब तो ये निकलता है बाकी के सारे बच्चे होशियार हो गए इन्हें एक भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आ रही 10 तक
बताओ एक से दस तक क्वेश्चन में किसी भी परेशानी नहीं आई इन बच्चों को? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन सर, मेरा भी सिक्स। अच्छा सेम क्वेश्चन से, अगर सेम क्वेश्चन है तो नाम तो बता सकते हो बेटा अपना। जैसे मुझे तो सर, पता कौन, कौन, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो मैक्सिमम बच्चों पे नहीं हुआ? सर मेरा नेट खत्म हो रहा है, प्लीज मैं आज नहीं ले पाऊंगा। सर विक्रम आठवां क्वेश्चन बता दो। विक्रम क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया आपको। सुन रहा है भाई विक्रम मेरी बात? यस सर सुन रहा हूँ, आ गया समझ। क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया था तुम्हें? यस सर। सेवन चलो बेटा मैं निकाल लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है। फाइव की पावर थर्टीन और टू की पावर ट्वेंटी सिक्स का एचसीएफ निकालना है। फाइव की पावर थर्टीन और फाइव की सॉरी टू की पावर ट्वेंटी सिक्स, इन दोनों का निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेते थे हम? जो कॉमन है। अब इन दोनों में ये फाइव की पावर थर्टीन का मतलब क्या निकलता है पता है? कि फाइव का थर्टीन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं फाइव को थर्टीन से मल्टीप्लाई कर दिया, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, फाइव की पावर थर्टीन का ये मतलब निकलता है। जबकि टू की पावर ट्वेंटी सिक्स का मतलब क्या निकल गया? टू इंटू टू इंटू टू, ये कितने टाइम्स? ट्वेंटी सिक्स टाइम्स। क्या कोई टेबल ऐसी है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए? एक भी टेबल ऐसी नहीं है। और जिसमें एक भी नंबर नहीं मिलता तो वन तो ऐसा कम से कम मिनिमम एचसीएफ होता है हर दो नंबर का। कोई भी दो नंबर ले लें दुनिया में उसका एचसीएफ वन तो मिनिमम होगा ही होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में वन के अलावा ऐसी कोई टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा वन। सभी को समझ में आ गया? सत्यम यस सर, आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर सिक्स। यस सर यस सर, एक बार दोबारा बता दो। तो हमें देखना होता है कि ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। अब इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा। सर थर्टीन लग रहा कॉमन, थर्टीन कॉमन लग रहा है बेटा। इसमें देख ध्यान से, फाइव की पावर थर्टीन का मतलब ये है, क्या इस पूरे में थर्टीन दिख रहा है कहीं? फाइव की पावर थर्टीन का मतलब क्या है कि पांच 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 तेरह टाइम्स मल्टीप्लाई। क्या इस पूरे पांच 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 में तेरह दिख रहा है तेरे को, थर्टीन दिख रहा है? नो सर। तो इसलिए थर्टीन नहीं होगा इस पूरे में, इस वाले में कहीं थर्टीन दिख रहा है तुझे? ये ट्वेंटी सिक्स टाइम्स टू है। नो सर, ना कि थर्टीन इंटू टू है। समझ में आ गया है या तो और कोई एग्जांपल दूं बेटा जल्दी से बता? समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल दूं सर? आ गया सर। आपने टू का पावर ट्वेंटी सिक्स नहीं है, सिक्स है केवल। चलो कोई बात नहीं, अगर टू का पावर सिक्स भी है बेटा, मैंने ध्यान से नहीं देखा, सॉरी बेटा सही कर लेना, सिक्स दे रखा है। सर सही है सर, हिंदी में और इंग्लिश में। अरे बाप रे बेटा, हिंदी में तो टू की पावर ट्वेंटी सिक्स लिखा है
और इंग्लिश में 2 की पावर 6 लिखा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रख ले कि कोई बात नहीं, अगर 2 की पावर 6 है तब भी एससीएफ बनाएगा, 2 की पावर 26 है तब भी एससीएफ बनाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 की पावर 6 या 2 की पावर 26 होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक इक्वेशन हमें दे रखी है a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x + b2y + c2 = 0, के अनगिनत हल होंगे, हमें इसके अनगिनत हल इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देखने। वो कंडीशन ढूंढनी है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर ऑप्शन बेटा आंसर मत बताया कर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा तू जानने लग गया है। अब देख मैं तो अभी तो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, तेने आंसर भी बता दिया तो थोड़ा मुझे गिल्टी सा फील होगा ना अपने अंदर से कि भाई मैं बच्चों से स्लो चल रहा हूं, है ना। समझ गया नहीं समझ गया, आंसर नहीं बताना सर। जब पूछे तो बता दो कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं पूछ रहे इसे कुछ बच्चों को बेटा गलत सा फील होता है, हम नहीं चाहते किसी बच्चे को गलत फील हो। मैंने बता रखी थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर इस क्वेश्चन से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, पेपर में देख लेना आप, 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पूछे या नो सॉल्यूशन पूछे या यूनिक सॉल्यूशन पूछे। तो इसे तो आप अच्छी तरह रट लो, एक तरह से एक क्वेश्चन पक्का है आपका इसका। सर थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए, समझ में नहीं आया अभी, मैंने कुछ बताया ही नहीं भाई, अब बता रहा हूं। पहले मैं केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, इन तीनों से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अवश्य आएगा, केवल ये बोला था बेटा मैंने। कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये चेक कर लो। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है। देखो बेटा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में जो हमारे एक्स के कोफिशियंट हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए, सॉरी एक्स के कोफिशियंट का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होना चाहिए वाई के कोफिशियंट। तो यूनिक सॉल्यूशन में तो केवल ये कंडीशन है, नो सॉल्यूशन में कंडीशन है a1/a2 = b1/b2, ये तो इक्वल हो, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में दोनों चीजें इक्वल हो, a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो तथा c1/c2 के भी इक्वल हो, ये कंडीशन मैंने बता रखी है आपको, जिसके आधार पर ये क्वेश्चन आया है। अब मिला लो आंसर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही जा रहा है। इसमें तीनों में से कोई एक पक्का आएगा, अब कौन सा आएगा ये मैं नहीं जानता,
लेकिन तीनों में से एक पक्का आएगा, इतना जानता हूं। तो अच्छी तरह याद कर लो, इसे समझ लो कब क्या कंडीशन होती है। अगर इनके डायग्राम देखें, यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, जबकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में कॉन्सिडेंट लाइन बनती है। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब एक के ऊपर एक लाइन, जो दूसरी लाइन होगी वो हमारी ब्लैक लाइन के ऊपर ही हो जाएगी। इसमें हमारे सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट, इसके अंदर सॉल्यूशन होता है नो, एक भी सॉल्यूशन नहीं, और इसके अंदर सॉल्यूशन होता है वन। यूनिक का मतलब वन। तो अच्छी तरह समझ लो इसे, पक्का ये क्वेश्चन आना है आपका बोर्ड में। आप अच्छी तरह समझें इसे, जिससे कि एक नंबर आपका तैयार हो जाए। क्या किसी बच्चे को दोबारा समझाने की जरूरत है? केवल याद करना है कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाले में क्या कंडीशन होती है। इसमें के की वैल्यू भी पूछ सकता है, वो कह दे कि नो सॉल्यूशन है और के की वैल्यू निकालो, तब भी वो इसी टाइप का क्वेश्चन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट पूछा है हमारे, देखता हूं नाम, अनुपम ने पूछा है शायद, विक्रम ने, विक्रम ने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है इसीलिए उसने क्वेश्चन नंबर एट पूछा है। क्वेश्चन नंबर एट कहता है साइन टू ए टू टाइम्स ऑफ साइन ए के बराबर है, ये सत्य बात है या असत्य? एक एक किस एंगल के लिए ये सत्य है? ये नहीं पूछ रहा सत्य असत्य, वो कह रहा है एक एक किस एंगल के लिए ये बात सत्य है। देखिए मैंने साइन की पांचों वैल्यू आपको याद करवा रखी है, फिर रिवाइज करते हैं अपनी वैल्यूज को। मैंने याद करवाई है आपको साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, सर साइन 60 की वैल्यू, बोल बेटा। सर जी मैंने क्वेश्चन नंबर अभी जो आपने पहले करवाया था ना वो नहीं देखा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसमें से देख लेना, है ना? ठीक है सर। और वैसे भी बुक में दे रखा था पर फिर भी उसमें से देख लेना, ठीक है? चलो अगर समझ में नहीं आया हो तो समझा मैं दोबारा दूं, केवल उतारना है तो फिर आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। ओके सर। बेटा चलिए देखिए बेटा, हमने एक एक करके वैल्यू रखी। अगर मैं LHS में एक ही जगह जीरो वैल्यू रखता हूं तो ये बन गया 2 sin 2 into 0, तो ये बन गया 2 sin 2 into 0, 0 हो गया 2 into sin 0 की वैल्यू 0, और 0 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0। LHS मेरा 0 आ गया, RHS चेक किया मैंने 2 into sin a की जगह 0, sin 0 की वैल्यू 0, ये भी 0। इसका मतलब 0 पर हमारी ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। केवल जो वैल्यूज वाली टेबल थी उसी के आधार पर क्वेश्चन बना दिया उसने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाया उसने। इसमें हमें एक एक करके वैल्यू ही रखनी है। अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा,
जो हमारा 11th क्लास में यूज होता है, इसलिए हम आंसरों से करेंगे इस क्वेश्चन। नोट करो बेटा जल्दी से, या नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो। समझ में सभी को आ गया ये? सर एक बार फिर से समझा दो बेटा। सीधी सी बात है, इसमें दे रखा था क्वेश्चन में साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, हमने a की वैल्यू एक एक करके इसमें रखी। पहली वैल्यू 0 दे रखी थी मुझे, तो जब मैंने a की जगह 0 रखा तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब 0 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम रीचेक करना चाहें तो बाकी की वैल्यू भी रख के दे सकते हैं, उसमें वो बराबर नहीं आएंगी, क्योंकि जब एक ही आंसर पॉसिबल है और वो ए वाला ऑप्शन आ गया है तो फिर आगे करने की हमें जरूरत नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट करें। आगे समझ में? यस सर। चलिए बेटा, वेरी गुड। 9th वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बेटा अगर नोट नहीं कर पाए तो अभी इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं, आराम से रिकॉर्डिंग से चेक कर लेना। 9th देखिए, 9th कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल्स, दो सर्किल है, एक मान लो छोटा है एक बड़ा है, अगर इसके एरिया को A1 मान लूं, इसके एरिया को A2 मान लूं, तो उसने कहा है दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो 4:9 है। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, रेशियो ऑफ देयर रेडियस पूछा है। अगर इसकी रेडियस R1 मान लें, इसकी रेडियस R2 मान लें, तो हमसे R1 अपॉन R2 की वैल्यू पूछी है कि इनका रेशियो क्या हो। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो देखा हमने एरिया का फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमने R1 मानी है तो ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड वाले केस में रेडियस हमने R2 मानी है तो ये पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पाई इस वाले पाई से कट गया। अगर मैं स्क्वायर रूट बोथ दी साइड कर दूं, दोनों तरफ वर्गमूल कर दूं, अगर वर्गमूल दोनों साइड कर दूं मैं, तो ये बन जाएगा R1 अपॉन R2, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3। अगर रेशियो देखें तो 2:3 हमारा रेडियस का अनुपात आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक पॉइंट दे रखा है -1.3, दूसरा पॉइंट दे रखा है 2, -1, कह रहा है दूरी निकालनी है। बता भाई, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि डिस्टेंस पूछ ले। P और Q मान लो दो पॉइंट हैं, उनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, मतलब उनके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो PQ निकालने का फॉर्मूला क्या था? X वाले में से X वाला माइनस कर दो, स्क्वायर करो, ऐड कर दो। Y वाले में से Y वाला माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो। अब देख लो कौन चीज क्या है। सबसे पहले इसको X1 मान लिया, इसको Y1 मानना पड़ेगा, इसको X2 मान लिया तो इसको Y2 मानना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर दो, X1 की वैल्यू
माइनस वन है, एक्स टू की वैल्यू टू, वाई वन की वैल्यू थ्री, वाई टू की वैल्यू माइनस वन, सिंप्लीफाई किया सर, माइनस वन और माइनस वन माइनस थ्री हो गया, बोलो बेटा सर ब्रैकेट में तो टू पॉजिटिव है लेकिन इसमें नेगेटिव कैसे आ गया बेटा, ये फॉर्मूले में माइनस का साइन चल रहा था, ये वाला साइन देखो, तो ये माइनस का है और ये टू का है, टू प्लस का है, तो ये माइनस और प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का, ये वाला जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ बेटा, ये तो फॉर्मूले का माइनस है ना, ये तो मैंने फॉर्मूले का माइनस लगाया, टू तो ये प्लस का लिखा था, अब बाहर माइनस था इसलिए वो बेचारा माइनस का हो जाएगा। ओके सर। और यहां देखो ये फॉर्मूले का माइनस था, ये तो मैंने यहां पे उतार ही लिया, जबकि वाई टू की वैल्यू मुझे माइनस वन दे रखी थी तो मैंने माइनस वन ही लिख दी, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया थ्री प्लस वन, माइनस थ्री का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का आएगा नाइन, फोर का स्क्वायर करूंगा तो सिक्सटीन, ये हो गया मेरा ट्वेंटी फाइव, स्क्वायर रूट किया तो फाइव यूनिट, हमेशा ध्यान रखो अगर उसने यूनिट नहीं दे रखी सेंटीमीटर मीटर तो हमें ऐसे ही लिखना है, हिंदी में लिखेंगे तो पांच इकाई और इंग्लिश में लिखेंगे तो फाइव यूनिट, इस फॉर्म में ही आंसर को छोड़ना है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको यह कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, है कोई बच्चा ऐसा? मेरे को नहीं आई। कहां से नहीं आई बेटा? क्या बेटा सर, जो सबसे ऊपर से मतलब यहाँ से समझ में नहीं आया, टॉप से बिल्कुल PQ इक्वल से, PQ इक्वल नहीं है बेटा, ये P की वैल्यू दे रखी है, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमेशा पहले वाले को वन वन मान लेते हैं, तो हमेशा पहले हमेशा X होता है और फिर बाद में Y होता है, हमेशा याद रखो, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, Q के कोऑर्डिनेट X और Y मानने हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर का है इसलिए टू टू लगा दिया इसमें, अब एक्स वन की जगह वैल्यू डाल दी हमने, यहां पे एक्स वन की वैल्यू माइनस वन आ रही है, माइनस वन डाल दी, वाई वन की वैल्यू थ्री आ रही है, वाई वन की वैल्यू यहां पे डाल दी, एक्स टू की वैल्यू टू आ रही है, एक्स टू की वैल्यू टू डाल दी, वाई टू की वैल्यू हमारी माइनस वन आ रही है, वाई टू की वैल्यू माइनस वन डाल दी, अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया समझ में? Yes, बोलो बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक बताओ, यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो। क्वेश्चन नंबर 14 विपिन कुमार सर, 11 14, क्वेश्चन नंबर 14 विपिन, 11 सर अमित, 15 अनुपम, 15 15 अनुपम, और बोलो। यस सर, सत्यम भाई 15। हाँ, और कोई इनके अलावा? सर विक्रम 12। विक्रम का 12। और कोई? चंदन। चंदन कौन सा? 13 सर, 13। सर 13 सत्यम का, ठीक है। और कोई? चलो चलो, सारे आ गए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनल नंबर
आर देयर इन बिटवीन एनी टू रेशनल, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर आएंगे? एक मिनट, सॉरी, इरेशनल नहीं, रेशनल ही पूछ रहा है। हाउ मेनी मैक्सिमम रेशनल नंबर आर देयर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर? रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर भी ही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में इरेशनल भी पूछ सकता था। मान लो ये एक रेशनल नंबर है तुम्हारा, एक रेशनल नंबर ये है, इसको p upon q के फॉर्म में मान लेते हैं, इसको a upon b के। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम है क्वेश्चन, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखो, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं। अगर वो इरेशनल नंबर भी पूछता तब भी इनफाइनाइट आते, कारण आपने स्केल देखा है, स्केल में वन लिखा रहता था, टू लिखा रहता था, आगे जीरो भी लिखा रहता था, थ्री, इसके बीच में हमारे दस खाने बने रहते थे। अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो इसके बीच में भी दस खाने बने, अगर और एनलार्ज करूं तो भी दस खाने बने। ऐसे कर करके ब्रेक करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर हम बना सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद करना है। अब इसी कंसेप्ट को मैं बढ़ा रहा हूं, चाहे वो रेशनल नंबर पूछे या इरेशनल नंबर पूछे, दोनों केस में आंसर आपका इनफाइनाइट होगा। इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। आ गया बेटा सभी को समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यस सर। केवल याद करने वाला क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट समझना है केवल। बेटा कोई बच्चा ये बोल रहा है, कौन सा है? सर चंदन का खुला हुआ है ये, या तो मुझे लग रहा है किसी बच्चे का माइक ऑन है या किसी के घर में टीवी चल रही है, ऐसी आवाज आ रही है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है मेरा। कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, किसी सर्किल के व्यास के, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, हिंदी में बोलते हैं व्यास, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक दे रखा है -6.3 और एक दे रखा है 6.9। हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर के। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने लेट मान लिए, मान लिया कि एक्स कॉमा वाई है। हमें पता है डायमीटर जो होता है उसका सेंटर जो है वो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला था एक्स वन एक्स टू को जोड़ो टू से डिवाइड, ऐसा ही वाई के साथ होता था, वाई वन वाई टू को जोड़ो टू से डिवाइड। ये मेरा मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला था, या ये कह सकते हैं मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला था। अब इस क्वेश्चन में लगा दीजिए, किसी को भी एक्स वन मान लेते हैं, अगर फर्स्ट वाले को माने तो अच्छा लगता है, और इस सेकेंड वाले को एक्स टू वाई टू मान लेते हैं। तो ये बन गया हमारा -6 +6 अपॉन टू, ये बन गया हमारा 3+9 अपॉन टू। तो यहां से -6 में 0 प्लस किया, वो सॉरी -6 में प्लस का 6 किया तो 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है 0 को यदि किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो ये दोनों प्लस किए तो 12, और 12 को यदि 2 से डिवाइड किया तो 6। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, x हमेशा पहले लिखते हैं और y हमेशा बाद में लिखते हैं।
ये ले बेटा आओ ये लो बेटा। केवल हमें इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछ रहा था वो, और मिड पॉइंट फॉर्मूला कोई कठिन फॉर्मूला नहीं था, चैप्टर नंबर 7 का आसान फॉर्मूलों में से एक माना जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। चार तो फॉर्मूले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। If a quadratic polynomial दे रखा है मेरा x square minus x plus 1 has roots alpha beta, इसके roots दे रखे हैं alpha beta, value of alpha plus beta पूछ रहा है। alpha plus beta का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोस, मूलों का योग पूछ रहा है वो। मूलों का योग का फॉर्मूला होता था हमारा माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसे कंपेयर किया जाए तो यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू प्लस 4 आएगी। अगर इन दोनों वैल्यूज को a b की वैल्यू और a की वैल्यू इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन 1 का मतलब 1 हो गया। दिस इज योर आंसर। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मूलों का योग मूलों का गुणा दोनों फॉर्मूले हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़े थे, कोई बहुत कठिन फॉर्मूले नहीं थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पक्का आपके बोर्ड में आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। डेसिमल 3 और 5 पे बार है दोनों पे। ये जो है किस तरह की संख्या होगी, पूर्णांक होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। सबसे पहले जिस संख्या को भी हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या, या दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से देखें रेशनल नंबर की, जिस संख्या को भी हम मतलब टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, या फिर रिपीटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो सभी संख्या हमारी रेशनल नंबर होती है। तो इसको देखा हमने, ये बार वाली संख्या है, बार वाली संख्या का मतलब रिपीट होगा बार बार। अगर रिपीट होगा बार बार तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, तो यदि कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग तो इसका मतलब एक बार नॉन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ये संख्या बनेगी वो बनेगी रेशनल नंबर। अगर वैसे भी देखें तो बार का मतलब होता है बार बार आना, 3 5 3 5 3 5 3 5 बार बार आएगा। ये खत्म तो हो नहीं रही, खत्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसको बोल सकते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग है, तो इसलिए ये संख्या हमारी रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगी।
इसको करने का तरीका भी होता है, अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होता तो हम उस तरीके को भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8, टेन थ्री एक्स माइनस 15 डिग्री, ये बराबर दे रखा है 1 के और कह रहा है x की वैल्यू निकाल दो भाई। सबसे पहले मैंने देखा भाई टेन में क्या हमने कोई वैल्यू याद की थी जो 1 के बराबर हो, टेन की वैल्यू याद की, टेन में मैंने तीन वैल्यू याद करवाई है आपसे, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, यही मेन वैल्यू है टेन में। तो यहां पर 1 जो है हमारा इस केस में आ रहा है, तो इसका मतलब 1 की जगह हम 10 45 लिख सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, तो ये 3x माइनस 15 और ये 45, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 15 इक्वल टू 45। इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का 15 है, जब ये RHS में जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20, 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 60, x की वैल्यू ही पूछी थी क्वेश्चन। तो मेन चीज है फॉर्मूले, जब तक आप फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में याद नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले फॉर्मूले याद करो, अगर हमें फॉर्मूला पता था कि भाई 1 जो है 10 में वैल्यू कब होती है, हमने देखा कि 1 वैल्यू 10 में 1 पे होती है, 45 पे होती है, तो 1 की जगह हमने 10 45 लिख दिया। और 10 में ही क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि LHS के अंदर हमारा 10 आ रहा था, अगर LHS के अंदर साइन आ रहा होता तो हम साइन में कन्वर्ट करते, अगर कॉस आ रहा होता तो कॉस में कन्वर्ट करते, इसी तरह प्रोसीजर करना है हमें। बोलो बेटा, बोलो बोलो, कौन बच्चा है, बोल बेटा क्या कह रहा है, एनी क्वेश्चन, क्या किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? बस हमेशा याद रखो बेटा, जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसी के टर्म में वैल्यू लिखनी होती है, जिससे कि हमारा कंपैरिजन हो जाए। लखा तो छुपा के रखी दिल पे मना। कौन सा बच्चा है ये भैया, गाना गाने का मन कर रहा है इसका, नाम बताओ जरा जल्दी, कल स्कूल में बेटा तेरे से गाना गा पाऊंगा मैं। कौन है ये, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक बोलिए, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन चाहिए 16 से लेके 20 तक? इस क्वेश्चन नंबर 17 कितना सर, 17 19 19 सर 19 19 सर, क्वेश्चन नंबर 19 कुमार सर 17 सर, क्वेश्चन नंबर 20 समीर का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 17 सर अमित सर, 17 और 16 सर, क्वेश्चन नंबर 20 समीर सर, 15 ओके, और कोई सर, सारा मोहम्मद सुबान, ठीक है सारे होगा। सर 19 भी बता दीजिएगा, अरे पागल है ना बेटा, सर पागल है, पागल है, ए लग रहा है, इस तरह नहीं बोलना, क्वेश्चन नंबर 16 निकालते हैं।
मुझे लग रहा है 16 वाला भी क्वेश्चन भेजना भूल गया, ये नहीं मिल गया। चलो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 फिर से हमारा चैप्टर नंबर 15 का आ गया। चैप्टर नंबर 15 में क्वेश्चन कभी भी बहुत कठिन नहीं आता, ज्यादा कैलकुलेशन बहुत आसान होती है उसकी। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना मतलब अपने नंबरों का नुकसान करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गड्डी है तांस की, 52 कार्ड्स हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले देखो चार तरह के कार्ड होते हैं, पहले 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। इन 26 को भी हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं और ये ब्लैक वाले 26 को भी दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं पान और इसे बोलते हैं ईंट। इसका डायग्राम देखें तो ये तो दिल की तरह बना रहता है, रेड कलर का होता है, और ये जो है इस तरह से बना रहता है डायमंड की तरह। ब्लैक में देखें तो एक को बोलते हैं स्पेड और एक को बोलते हैं क्लब। क्लब को हिंदी में बोलते हैं चड़ी इड़ी। और स्पेड को बोलते हैं हुकुम। इसका डायग्राम कुछ उल्टा होता है पान से, बस इसमें ये नीचे डंठल सा भी लगा रहता है। और चिड़ी का डायग्राम होता है इस तरह से, गोली से लगे रहते हैं कुछ इस तरह। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों हमारे रेड कलर के होते हैं, ये याद रख लेना। अब हमारे 13 तो पान के पत्ते हो गए, 13 ईंट के पत्ते हो गए, 13 स्पेड के कार्ड्स हो गए और 13 चिड़ी के कार्ड। अब ये 13 सभी डिवाइड हो जाते नंबर कार्ड्स और फिगर कार्ड। सभी का डिवीजन सेम रहेगा इसलिए केवल एक का डिवीजन मैं कर रहा हूं, बाकी सभी का सेम रहेगा। एक होता है इन पे एक का, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एस। एक होता है इसमें किंग, जिसको हम बोलते हैं बादशाह। एक होता है इसमें क्वीन, जिसको हम बेगम बोलते हैं। और लास्ट होता है जैक, जिसे हम गुलाम बोलते हैं। इसके बाद सारे कार्ड्स हमारे नंबर कार्ड होते हैं, जिसमें 10 लिखा रहता है, इसे दिल्ली बोल देते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 1 नहीं लिखा रहता, ये ध्यान रखना। केवल 2 से चालू होता है नंबर कार्ड और 10 तक चलता है, जबकि जैक के ऊपर कैपिटल जे लिखा रहता है, क्वीन के ऊपर कैपिटल क्यू लिखा रहता है, किंग के ऊपर कैपिटल के लिखा रहता है और एस के ऊपर कैपिटल ए लिखा रहता है। ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब इसमें दो कंसेप्ट ने जन्म लिया, एक का नाम है फिगर कार्ड और एक कंसेप्ट का नाम है फेस कार्ड। थोड़ा ऊपर कर देता हूं। फिगर कार्ड्स वो होते हैं जिन पे ABCD लिखे हो। देखो इस कार्ड के ऊपर ABCD लिखी है,
ये लिखा है नहीं लिखा, इसके ऊपर एबीसीडी लिखी है, इसके ऊपर एबीसीडी लिखी है, इसके ऊपर भी एबीसीडी लिखी है, बाकी किसी कार्ड के ऊपर एबीसीडी नहीं लिखी। तो एक ग्रुप के अंदर हमारे चार कार्ड हो गए फिगर, तो चार तो मेरे पान के हो गए, इसी तरह सिमिलरली चार डायमंड के होंगे, चार हमारे स्पेड के होंगे और चार होंगे हमारे चिड़ी के। तो टोटल अगर मैं देखूं तो मेरे 16 कार्ड्स हो गए, कितने कार्ड हो गए 16 कार्ड्स हो गए, टोटल हमारे 16 कार्ड्स हो गए। अगर टोटल 16 कार्ड्स हो गए हमारे, अब बात आती है हमारी फेस कार्ड की। तो फिगर कार्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई, जिनमें एबीसीडी लिखा हो वो कार्ड्स होते हैं हमारे फिगर कार्ड्स। तो एबीसीडी अगर हम देखें, पान में चार होते हैं, ईंट में चार होते हैं, हुकुम में चार होते हैं और चिड़ी में चार होते हैं, मतलब हार्ट में चार, डायमंड में चार, स्पेड में चार और क्लब में चार, तो टोटल हो गए 16 कार्ड्स। जबकि फेस कार्ड की डेफिनेशन कहती है जिन पर फेस हो, चेहरा बना हो, चेहरा देखो किस किस पे बना रहता है। अगर हम इक्के का डायग्राम देखेंगे तो इक्के पे कोई चेहरा नहीं बना रहता, किंग पे देखेंगे तो चेहरा बना रहता है, क्वीन पे चेहरा बना रहता है और जैक पे चेहरा। तो मतलब चेहरे वाले कार्ड आपके पास तीन हो गए एक ग्रुप के अंदर। ये तीन कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे चेहरा बना है, तो तीन पान के हो गए, तीन डायमंड के हो गए, तीन स्पेड के हो गए और तीन हो गए क्लब के। तो तीन 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 टोटल मिला के हमारे कार्ड हो गए 12। अब क्वेश्चन क्या था वो देखो, इतना हमें आना चाहिए कार्ड्स के बारे में। पूरी प्रोबेबिलिटी की मैंने वीडियो बना रखी है YouTube पे जाके, अगर मन करे तो उस वीडियो को देख सकते हो बहुत अच्छी तरह। चारों कंसेप्ट कार्ड्स का, कॉइन का, डाइस का और मिसलिनियस एक एक वीडियो में समझा रखें, तो देख सकते हो आराम से। अब हमने इस क्वेश्चन को देखा, हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेड फेस कार्ड का निकालना है। टोटल कार्ड तो मेरे 52 हो गए भाई, अब रेड कलर का भी फेस कार्ड चाहिए। देखो इधर ये जो लिखा हुआ है ये टोटल फेस कार्ड है। अगर टोटल फेस कार्ड है ये, हमें चाहिए टोटल रेड फेस कार्ड। अब देखो रेड कलर के तो तीन तो ये थे, तीन ये थे, ये तीन और ये तीन तो ब्लैक कलर के थे, तो टोटल रेड कलर के फेस कार्ड हमारे कितने माने जाएंगे 6। तो आंसर हो गया हमारा, फेवरेबल कंडीशन बन गई हमारी 6 और टोटल कंडीशन हमारी 52। तो इस आधार पर आंसर हो गया हमारा 6/52। अगर इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये 3 टाइम्स, ये 26 टाइम्स, तो 3/26 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया? अगर प्रॉब्लम है तो बेटा वीडियो देखो डिटेल में, अगर पहली बार कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, अगर पहले कर रखा है तो पूरा डायग्राम क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को जाके देख लेना। चलो सर आगे। हाँ, 2 मिनट का रेस्ट है तुम्हारे पास, पानी वानी पीना है तो पानी वानी पी आओ, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। 2 मिनट का रेस्ट है बेटा।
चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सेवनटीन कह रहा है बिंदु, वही चैप्टर नंबर 7 का है, एक पॉइंट दे रखा है हमें ए 3.3, बी पॉइंट दे रखा है -3.-3, को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु 0.0, पी के कोऑर्डिनेट हमें 0.0 दे रखे हैं, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो रेशियो पूछ रहा है वो। तो सीधी सी बात है, केवल चार फॉर्मूले हैं मेरे, तो इसका मतलब अब बात कर रहा है ये सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला हमने ध्यान से देखा, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता था, अगर ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट X1 Y1 है और Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट X2 Y2 है, अगर A कोई बिंदु है जो इसको M1:M2 में डिवाइड कर रहा है, तो X की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा था उसने, M1 का X2 से मल्टीप्लाई कर दो, M2 का X1 से, और डिवाइड कर दो M1+M2। इसी तरह Y की वैल्यू निकाल सकते, M1 का Y2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई करते हैं, M2 का Y1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो M1+M2। केवल अब हमें वैल्यूज रखनी है, अगर वैल्यूज हमने रख दी तो हमारा काम खत्म। देखिए A पहले दे रखा था इसलिए इसको X1 Y1 मान लेते हैं, B बाद में दे रखा था इसलिए इसको X2 Y2 मान लेते हैं, ये हमें लाइन के बीच में कोई पॉइंट था, मैंने मिड पॉइंट नहीं बोला, लाइन के बीच में कोई पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हमने X, Y मान दिया, और रेशियो हमें निकालना है, और जब कभी भी रेशियो निकालना है तो हमेशा वैल्यू लेते हैं हम K:1, और जब कभी भी रेशियो दे रखा होगा तो हमें लेना है M1, M2। तो ध्यान रखना है इस बात का, जब भी कभी रेशियो निकलवाए तो हमेशा K:1 लो, याद कर लो इस बात का, M1, M2 से भी कर सकते हैं लेकिन फिर हमें सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, M1, M2 से लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व और करना पड़ेगा, इसलिए K:1 से एक ही बार में आंसर आ जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर x की वैल्यू दे रखी है 0, देखो इसे येलो कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू मैंने 0 रख दी, M1 की वैल्यू यहां पे K दे रखी है, X2 की वैल्यू देखो, X2 की वैल्यू यहां पे, सॉरी ये X2 की वैल्यू मेरी -3 दे रखी है, X2 की वैल्यू मैंने -3 दिख दी, M2 की वैल्यू 1 दे रखी है क्योंकि K:1 माना था, X1 की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, M1 K M2 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो k प्लस वन का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये आएगा माइनस थ्री के प्लस थ्री बन जा थ्री, ये प्लस का थ्री एनएचएस में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस थ्री से माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा तो k की वैल्यू निकल के आएगी माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री डेट इज वन। तो इसका मतलब अगर रेशियो देखें k के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा तो वन, थ्री के नीचे सॉरी वन के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा तो वन, तो रेशियो आ गया वन रेशियो वन। और वन रेशियो वन रेशियो होने का मतलब है ये मिड पॉइंट होगा, ये केवल मीनिंग है, अगर पूछना चाह रहा है वो तो उसे बता देंगे, अगर नहीं पूछ रहा है तो केवल आंसर लिख देंगे वन रेशियो वन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा चैप्टर नंबर 3 का है। ये कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक दे रखा है हमारा 6x माइनस 7y इक्वल टू 1, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, इसमें किस तरह का सॉल्यूशन होगा। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखा था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसी के बाद डिसाइड कर पाते हैं। ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यहां से a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो दिस इज 6/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें तो दिस इज माइनस का 7 अपॉन माइनस का 4, c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालें तो दिस इज 1/5। इसको कैंसिल आउट करें तो 3 से ये कट गया 2 टाइम्स तो ये 2/1, या नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा 7/4 ये 1/5। अब इसमें a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा b1 अपॉन b2, तो आगे c1 अपॉन c2 को देखेंगे ही नहीं। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है इसका रेशियो, तो इसका मतलब आगे देखना ही नहीं है। तो हम कह देंगे दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, पहली वाली कंडीशन होगी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये ए पॉइंट दे रखा है 4, P, बी पॉइंट दे रखा है 1, 0, 5 यूनिट है डिस्टेंस दे रखा है और वो भी 5 यूनिट, वैल्यू ऑफ पी पूछ रहा है। तो देखो बेटा जब भी डिस्टेंस दे रखा हो तो हमेशा दो केस लेने हैं हमें, क्योंकि हमारा डिस्टेंस मेजर होता है पॉजिटिव में, तो यदि बाई चांस आंसर नेगेटिव आ रहा होता तब भी हमने पॉजिटिव लिख दिया होगा, तो इसलिए दोनों केस लेंगे, एक बार प्लस का 5 लेके चलना है, एक बार माइनस 5 लेके चलना है, क्योंकि माइनस भी आ रहा होता तब भी वो पॉजिटिव बोलेगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था हमारा, एक्स वाले में से एक्स वाला माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो, वाई वाले में से वाई वाला माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो, दोनों जगह फॉर्मूला लगा देंगे, इसका वैल्यू लगाएंगे
देखिए इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, वैल्यूज रख देंगे। x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू p, y2 की वैल्यू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 का स्क्वायर, p में से 0 माइनस किया तो p, नाइन प्लस पी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ किए हमने वर्क, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे बोलते हैं। तो ये 25 हो गया, ये 9 प्लस पी स्क्वायर हो गया। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, सॉरी अभी प्लस का 9 है, जब ये हमारा एनएचएस में जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां से पी की वैल्यू जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों लेनी है, तो प्लस माइनस 4, तो दो वैल्यू तो यहां से आ गई पी की, प्लस 4 भी आ सकती है, माइनस 4 भी आ सकती है। अगर इसे सॉल्व करें तब भी देखो वही सेम कंडीशन बनेगी, क्योंकि माइनस 5 का जब हम इसमें स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसके इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर रूट नहीं कर रहे, तो इसलिए नेगलेक्ट नहीं होगा, ये जो है नेगलेक्ट नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन सेम आएगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने स्क्वायर करा। अगर स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर इसको भी सॉल्व करना पड़ता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर ऑप्शन में कौन सा सही होगा? फिर सी वाला हो गया। सी में प्लस 4 और माइनस 4 लिख रखा है। यस सर। देखो सी वाला चेक करो। यस सर। तो सी वाला हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों 4 आ रहे हैं ना, जो इस तरह से लिखा हुआ है कि प्लस माइनस 4, इसका मतलब ही ये होता है कि एक बार 4 और एक बार माइनस 4। यस सर। जब कभी हम किसी चीज का स्क्वायर रूट करते थे तो हम उसमें लिखते थे प्लस माइनस 4, सेम वही कंडीशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 225 कैन बी एक्सप्रेस एज, अरे बाप रे, किसने पूछा ये क्वेश्चन? इससे ज्यादा सिंपल क्या क्वेश्चन होगा भाई? केवल फैक्टर करने, 225 के फैक्टर करने। सबसे पहले मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से गया ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, अगेन 5 से किया, ये 5 से गया 9 टाइम्स, 3 से किया 3 टाइम्स, जिस नंबर के लास्ट में 5 आ जाए, 0 आ जाए, उसे तो 5 से डिवाइड कर लो पहले। तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे 5 × 5 × 3 × 3, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 3 की पावर 2, मिला लो आंसर किस में मैच कर रहा है। इसमें देखना बेटा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये थोड़ा छपा सर कर रहा है। कौन सा वाला मैच कर रहा है? सर ऑप्शन सी, इसमें कटा हुआ आ गया इसमें। चलो कौन सा, बी वाला कर रहा है सी वाला कर रहा है? सी वाला। हाँ सी वाला, चलो इसमें मेरे पे कटा हुआ आया बेटा फोटो। चलिए इसी के साथ आपके 20 तक क्वेश्चन हो गए, अब 20 से 25 तक बताओ
20 से 25 तक किसी को क्वेश्चन पूछना है तो बताइए। 22 नंबर सर। 22 23 सर। नाम बताओ। 22 सर। 23 बता दो। हाँ बता दिया, और बताओ 23 के बाद। 25 सर। सर 24। ठीक है, कुल मिला के सभी हो गए। देखिए सबसे पहले 21 देखिए, ये है बेटा सेक्शन नंबर पी। इसमें कोई भी 16 क्वेश्चन करने थे, 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 20 में से, मतलब 4 क्वेश्चन हम छोड़ भी देंगे तब भी हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल एबीसी, आइसोसेलियस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सेम है। तो हम ये मान लेते, मान लो ए बी भुजा ए सी भुजा के सिमिलर है, सॉरी उसने बता रखा है कि ए सी भुजा जो है वो बी सी के सिमिलर है, तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे। उसने कहा है ए सी जो साइड है वो बी सी के सिमिलर है, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे बना लूं C को कॉमन लिया है ना उसने AC और BC में, तो C को ऊपर बना लेता हूं मैं। तो उसने कहा है AC जो है BC के बराबर है, तो इससे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो ABC आइसोसेलियस ट्रायंगल है जिसमें AC BC के बराबर है, साथ में एक तो दिया AC BC के बराबर है, एक दिया ए बी का जो स्क्वायर है वो ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर के बराबर है, वैल्यू ऑफ सी पूछ रहा है, एंगल सी हमारा कितने डिग्री का होगा ये पता करना है। स्क्वायर की बात की तो इसका मतलब एक बार को हम पाइथागोरस के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमने पाइथागोरस के बारे में सोचा, देखो जरा ए बी हमारी ये वाली साइड है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, ए बी को मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम थी कि अगर अपोजिट साइड्स, या ये कहें अपोजिट साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे, अगर अपोजिट साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, या दूसरे भी में कह सकते हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल हमारे सेम होंगे जो हमारी साइड्स के, जो साइड सेम साइड के अपोजिट है। तो हमने देखा अगर हम इसमें ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दें तो कोई परेशानी भाई, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दिया। अब क्योंकि ए सी जो साइड है वो बी सी के बराबर दे रखी है, तो इसमें एक जगह में बी सी भी लिख सकता हूं। अब देखो क्या ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही कि किनी दो, किसी ट्रायंगल के अंदर किनी दो साइड का जो स्क्वायर है वो तीसरी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है।
अब जरा देखो इस ए बी साइड के सामने जो एंगल होगा, इसका मतलब वो एंगल कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90। केवल दो कंसेप्ट यूज हुए, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स हमारी बराबर होंगी। दूसरा कंसेप्ट स्क्वायर दे रखा था, दो साइड्स में स्क्वायर दे रखा था, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लग सकती थी। अब पाइथागोरस तो लगी नहीं, इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लग गई। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बना के दे दिया भाई, ट्रायंगल चैप्टर के अंदर दो थ्योरम अवश्य पढ़ लेना, एक तो पाइथागोरस और एक बीपीटी, इन दोनों से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन जो है ये बीपीटी का है, इसमें हमसे ईसी की लेंथ पूछ रहा है। इसमें पहले तो हमें गिवन है कि डीई जो साइड है वो समांतर है, पैरेलल है बीसी के। जब डीई साइड बीसी के पैरेलल है तो इसका मतलब हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो ध्यान रखें इस बात का, यदि एक साइड हमारी थर्ड वाली साइड जॉइनिंग साइड से पैरेलल दे रखी है तो हमेशा बीपीटी लगाओ। तो बीपीटी कहती थी ए डी का रेशियो डी बी के साथ और ए ई का रेशियो ई सी के साथ बराबर होगा। ए डी की वैल्यू 3, डी बी की वैल्यू 4, ए ई की वैल्यू 6, ई सी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर हम ई सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6 जो है 3 से कट गया 2 टाइम्स और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 4 2 8। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोडक्ट हुज रेडियस इज आर। आपने देखा होगा जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आता है प्रोडक्ट वो हाफ सर्कल के बराबर होता है, इसको हम सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। सर्कल से आधा होता है। अब वो कह रहा है यदि इसकी रेडियस आर है तो हमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोडक्टर, सेमी सर्कुलर प्रोडक्टर का हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अब देखो इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट याद करवाया था और समझाया भी था कैसे बनाया, तो वो देखो सर्किल का अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें, पेरीमीटर की बात करें तो 2πr, ये उसका आधा है तो 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन मैंने कहा था पेरीमीटर में जिस पॉइंट से हम चलते हैं उसी पॉइंट पर लौटे आने चाहिए। तो अभी फिलहाल जो है ये रेड वाला पोर्शन आया 2πr/2 से, अभी हम यहां से ए से बी पे पहुंच गए लेकिन ए पे लौट के नहीं आए। अब ए पे लौटने के लिए मुझे ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जिसकी लेंथ है 2r। अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज πr/2r। देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा। क्वेश्चन नंबर 24,
ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है। यदि एंगल 45 डिग्री का दे रखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। चलिए बेटा, अगर इसका एरिया निकाला हमने, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता था हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें 45 दे रखी है, हमने 45 लिख दिया, 360 हमारा फॉर्मूले में चल ही रहा है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 दे रखी है। अब 14 का स्क्वायर का मतलब 14 का दो बार मल्टीप्लाई। अब मैंने कैंसिल आउट किया इसे, ये मैंने काट दिया, 7 से 14 काटा 2 टाइम्स, इधर 45 से 36 को काट, वो 360 को काट दिया, तो ये कट जाएगा मेरा 8 टाइम्स, क्योंकि 90 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो 45 की टेबल में 8 टाइम्स हो जाएगा। अब 2 से इस 8 को काटा 4 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो अगेन इस 2 से ये 7 टाइम्स, ऊपर बच गया हमारा 11 और 7, तो ये हो गया 77। और एरिया जो है हमारी स्क्वायर यूनिट में आती है, और यूनिट हमें सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसलिए ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, एक मिनट निकालना पड़ेगा, मिल गया। देखिए 44 मीटर सर्कमफेरेंस किसी सर्किल का है, तो रेडियस निकाल दिया। सर्कमफेरेंस मेरे को 44 सेंटीमीटर दे रखा है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता था 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालनी है। अगर यहां सिंप्लीफाई किया, 7 चला जाएगा ऊपर, 2 नीचे चला जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा। अगर इसे कैंसिल आउट किया तो 2 से 44 कट गया 22 टाइम्स, 22 से 22 कट गया, ऊपर बच गया केवल 7। अब क्योंकि यूनिट हमारी सेंटीमीटर चल रही है, तो इसका मतलब रेडियस भी हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सर मीटर है, मीटर है, एक मिनट चेक करता हूं। यस करेक्ट बेटा, ये मीटर में दे रखा था, अभी मैं यहां सही कर देता हूं। अगर ये मीटर में दे रखा था तो ये वाला भी मीटर में हो जाएगा मेरा। इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। टाइम बहुत हो गया है, इसलिए नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। और बेटा अगली क्लास अब कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, तो इसका मतलब ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे को होगी अब नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, वेनसडे को स्कूल की छुट्टी है। ओके सर, थैंक यू बेटा। ओके गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। कॉपी नाइट, कॉपी में बेटा ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, ओके।
सभी बच्चे बेटा इन क्वेश्चंस को कर लेना। ओके सर। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में परेशानी आए तो बेटा वीडियोस देखो उस चैप्टर की। ओके सर। जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे फुल डिटेल में नहीं समझ में आएगा, डिटेल में जब ही समझ में आएगा जब वीडियो देखोगे, क्योंकि वीडियो के अंदर टाइम हमारे पास बहुत था तो आराम आराम से कराया। अब अगर मैं हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूं तो हर एक क्वेश्चन कम से कम आधा घंटा खा जाएगा, तो कुल मिला के दो घंटे की क्लास में चार क्वेश्चन हो पाएंगे। कर दूंगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन टाइम पीरियड खिंच जाएगा। तो जिन बच्चों को आता है टॉपिक उन्हें परेशानी महसूस होगी। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो बेटा, यदि किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ।